नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से माहौल बिगड़ता जा रहा है। जिस तरह से आजम खान के समर्थकों ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, सपा चौतरफा घिर चुकी है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को यूपी में इतना मजबूत करने के पीछे नेताजी ने अपनी जी जान लगा दी। मुलायम सिंह यादव को सपा के नेता जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहते थे और आज भी ये कहते हैं कि उनके इसी व्यक्तित्व के चलते सपा पर यूपी की जनता भरोसा करती है। सपा के नेता कह रहे हैं कि अब जनता का भरोसा अखिलेश यादव खो चुके हैं। और तो और, विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर कांग्रेस और भाजपा की तरफ जाने वाले नेताओं ने भी दबी जुबा में कहा कि अब ये समाजवादी पार्टी नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। आपको बता दें, शिवपाल यादव के बाद आजम खान के साथ भी अखिलेश यादव के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इन बिगड़ते रिश्तों का सपा की छवि पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ भी आपको सुनाई देगा। इसे लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है, मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से अखिलेश यादव से पार्टी की कमान अब अपने हाथों में ले सकते हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने नेताजी तक अपनी बात पहुंचा दी है। सपा के नेता चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और मुलायम सिंह यादव ही अब इस विवाद को सुलझाएं। सपा के तमाम नेता चाहते हैं कि अब नेताजी अखिलेश और आजम खान के बीच बढ़ रहे मतभेदों का समाधान निकालें ताकि पार्टी को एक और बड़ा झटका ना लगे। देखना होगा इस मामले में नेताजी क्या करते हैं। फिलहाल जहां तक खबर आ रही है, इस बार नेताजी अखिलेश यादव को ही एक अच्छे अध्यक्ष का पाठ पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।